शहर के सदर बाजार विजय टॉकीज के सामने तीन महिलाएं अपने परिजनों संग धरने पर बैठ गई। इस दौरान उसके परिजनों ने बताया कि यह दुकान मेरी है जगदीश प्रसाद के नाम से। कहा छोटे भाई की बहू और वो दुकान चलाते थे, दोनों भाई खत्म हो गए, दुकान बंद हो गई, उसके बाद दुकान में ताला लगा दिया, सब सामान भर ले गए। वहीं धरने पर बैठी महिला सुधा देवी का कहना था कल से बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। कहना था कि हम चाहते हैं कि या तो हमें दुकान मिले या हमारा हक। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय पार्षद देशदीपक यादव ने बताया कि उन्हें कल रात को सूचना मिली कि उनके क्षेत्र से तीन महिलाएं कल सुबह 5 बजे से रात भर बैठी रही हैं। जब मामले की जानकारी करने आए तो यहां पता चला मकान मालिक दुकानदार का विवाद है। दुकानदार कह रहे हैं कि हम 80 साल पुराने किराएदार हैं, मकान का ताला तोड़ सामान भर लिया है। जब यहां आकर देखा तो मामला सही निकला, सारा सामान निकाल लिया, ताला डाल दिया, 80 साल पुराने हैं, नाईगिरी की दुकान थी। क्या मामला है पूरा और कौन सी जगह है? मामला ये विजय टॉकीज के सामने, ये मेरी फर्म है चतुर्वेदी लाउड स्पीकर के नाम से, सन 1950 से मेरे पास ये मौजूद है दुकान, जिसको अभी ताऊजी के मरने के बाद में मैंने थोड़ा सा इसमें रहना और मतलब सामान। यहाँ किस तरह का कुकृत किया गया और किसके द्वारा किया गया? ये संजीव महेश चंद जैन एडवोकेट के मालिक थे इसके पहले जी। उसके बाद उनके बेटे संजीव जैन और राजीव जैन और आदेश जैन और अरुण जैन जी, ये सारे लोग जिनको मैं पहचानता हूँ ये मौजूद थे यहाँ पे। मेरे को सूचना मिली, मैं यहाँ रह नहीं रहा था, मेरे को सूचना मिली, सूचना पे मैं आया तो मेरी दुकान पे इन्होंने गेट तोड़ के मेरा मटेरियल सारा मेटल रोड से भर के ले गए। और आपने तहरीर वगैरह दी इसकी? कोई तहरीर देने में गया था थाने तो उन्होंने मेरी तहरीर लेने से इनकार कर दिया, और जब मैंने अवैध निर्माण उनका किया हुआ ध्वस्त किया तो मेरे छोटे भाई चाचा के लड़के भरत और एक पब्लिक में जो सपोर्टर मेरे बने विजय कृपलानी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, उनको भी हम तीनों को रात में बंद कर दिया 151 में। मैं कल जमानत पे छूट के आया हूँ। और ये मेरा नाम जीवन मार्शनी है, मेरी दुकान है सन 75 की, मेरे बाबूजी ने ली थी, बाबूजी ब्लड कैंसर के पेशेंट थे, वो एक्सपायर हो गए और अब मुझे धमकी दी जाती है। मेरी चार बहनें हैं, तीन भाई हैं, माँ बाप हैं, भैया हैं। कौन धमकी कौन दे रहा है? वकील साहब देते हैं कि दुकान खाली कर, और ना मेरे खिलाफ कोई वकील खड़े होंगे ना कोई जज खड़े होंगे, ये दुकान खाली कर नहीं तो सब दुकान का सामान फेंक दिया जाएगा तेरा रोड पे। और अभी इन 3 दिन पहले इन महिलाओं का सामान रोड पे फेंक दिया और दुकान में अंदर घुस के दूसरी दुकान में से अंदर घुस के दूसरी दुकान में आ गए, दुकान गेट के आगे दीवार खड़ी कर और लगा दी गई। जब हम लोगों को पता चला तब गेट तोड़ा चौबेदी लाउड स्पीकर वालों के लड़कों ने और इन महिलाओं ने आगे। अब ये दुकान चालू हालात में थी और अब चालू हालात में इनको चाहिए, बस इनका दुकान का सामान भर के ले गए हैं, सामान चाहिए और इनको न्याय चाहिए और कुछ नहीं। हम ये चाहते हैं, इनकी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, पैसा देने के लिए हम तैयार हैं, हम खरीदने को तैयार हैं, आप अपना पैसा बताएं, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है उनसे, हम दुकान नहीं खाली करेंगे, जो पैसा आपको दूसरे से चाहिए वो हम देने को तैयार हैं, आप अपना पैसा बताएं, हम खरीदने को तैयार हैं। कल रात को सूचना मिली, यहीं से फोन पहुंचा मेरे पास कि मेरे क्षेत्र में तीन महिलाएं कल सुबह 5 बजे से रात भर बैठी रही हैं। रात को भी बैठी हुई थी तो मैं सुबह यहाँ मामले की जानकारी करने आया तो मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ मकान मालिक और दुकानदारों कोई विवाद है। दुकानदार कह रहे हैं कि हम 80 साल पुराने यहाँ किराएदार हैं और दुकान जो मकान मालिक है उन्होंने रात को दीवार तोड़कर परसों रात को इनका सारा सामान भर लिया है, उसी के विरोध में ये दुकानदार यहाँ आकर बैठ गए। तो मैं सुबह आया तो यहाँ आकर देखा कि वो घटना सही नहीं। कौन सी जगह है ये? विजय टॉकीज के सामने है, यहाँ डॉक्टर अंसारी वाली गली के बाहर की जो मार्केट है वो है।